अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबास बिस क्लासेस में अंडा भुर्जी बनाएंगे और इस अंडा भुर्जी को हम डिफरेंट स्टाइल में सर्व भी करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस अंडा भुर्जी को हम ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं बच्चों को। तो अगर रेसिपी पसंद आती है आपको तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए, अगर आपकी फैमिली में कोई डायरेक्टली अंडा भुर्जी नहीं खाता है या नहीं पसंद करता है तो आप इस अंडा भुर्जी को कोई इंटरेस्टिंग तरीके से सर्व भी कर सकते हैं, जो मैं आपको आज इस ब्रेकफास्ट मेन्यू में बनाना बता रही हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसे पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 8 टमाटर ले रहे हैं जिसे मैंने कट करके रखा है। ठीक है, और अब एक कढ़ाई को मैंने गैस पर रखा और उसमें ऑयल डाला 4 टेबलस्पून और इसे गर्म किया। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए लहसुन और 2 प्याज कटी हुई। ठीक है, अब हम सबसे पहले 2 टेबलस्पून लहसुन डाल देंगे जो मैंने बिल्कुल बारीक कट करके रखा है। इसे फ्राई कीजिए और फिर उसके बाद 2 कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और उसके बाद डाल दीजिए 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, इसे भी फ्राई कीजिए। और हम 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। इसे मिक्स कीजिए, थोड़ा सा फ्राई कीजिए। फिर उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए। टमाटर का पेस्ट डालकर भी अच्छी तरह से हमें इसे पका लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। अच्छी तरह से इसे पका लीजिए। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 10 अंडे फोड़ लेना है मुझे, तो लेकिन मैं एक एक करके अंडे फोड़ूंगी। तो मैं 2 बोल्स लूँगी, एक बड़ा बोल और एक छोटा बोल। छोटा बोल में से एक एक अंडा फोड़ूंगी, उसे चेक करूँगी, फिर उसे एक बड़े से बोल में डालते जाऊँगी। अगर मैं डायरेक्टली सभी अंडों एक साथ फोड़ूंगी ना, तो उसमें से अगर एक भी ख़राब निकलेगा तो सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए एक एक करके फोड़ कर डालिए। तो 10 अंडे हमने फोड़ लिए। अब हमने 2 टेबलस्पून तेल गरम किया, उसमें 4 टेबलस्पून बटर डाल दिया और दोनों को मिलाकर हम गरम करेंगे। फिर उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कतरा हुआ लहसुन और 1 प्याज कटी हुई डालकर इसे फ्राई करेंगे। इसे ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। अब देखिए, जो अंडे हमने फोड़े थे उसमें डाल दीजिए 1/2 कप दूध, जिसके साथ मलाई भी हो। ठीक है, मलाई वाला दूध हमने इसमें डाल दिया 1/2 कप। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। फिर उसके बाद इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, यानी जो प्याज हम तल रहे थे उसमें हमने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब ये दूध और अंडे का जो मिक्सचर है वो हम डाल देंगे इस प्याज में, यानी तली हुई प्याज में या कढ़ाई में इसे डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकाना शुरू करेंगे। इसे अच्छी तरह से चम्मच हिलाते हुए पकाते जाइए। हमें इसके थोड़े से मोटे मोटे चंक्स चाहिए। अब देखिए, हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल दीजिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए पकाइए। देखिए, हमको इसके थोड़े से मोटे मोटे चंक्स चाहिए। अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्चें डाल रहे हैं, यानी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और फिर 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार, ये भी एक किस्म की अंडा भुर्जी है जो बहुत ही मज़ेदार लगती है, बटरी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी सी। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम जो ये टमाटर का पेस्ट पका रहे थे तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले, यानी हम इसमें अब सबसे पहले ऐड करेंगे ये ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम डाल देंगे ये जो हमने ये जो अंडा भुर्जी बनाई थी प्लेन वाली, वो हम इसमें डाल देंगे। इसे ज़्यादा मिक्स ना कीजिए। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा मेल्टेड बटर डाल दीजिए। मैंने थोड़ी सी अंडा भुर्जी वाइट वाली बचा कर रखी है और कुछ इसमें डाल दी है। अब इसमें मेल्टेड बटर और 1 टीस्पून ओरिगैनो डाल दीजिए और हरा धनिया डाल दीजिए। ठीक है, और इसे मिक्स कर दीजिए। हमारी ये अंडा भुर्जी तैयार हो गई बेसिक। अब हम थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं और इसमें नमक डाल देते हैं, हाँ, और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नूडल्स। नूडल्स को हम बॉईल कर लेंगे। ठीक है, नूडल्स को अच्छी तरह से तेज़ आंच पर बॉईल कर लीजिए।
नूडल्स अच्छी तरह से बॉईल हो जाने के बाद इसे हमें छान लेना है, यानी इसका पानी निथार लेना है। तो देखिए हमने इसका पानी निथार लिया। अब एक पैन में आपने 2 टेबलस्पून तेल गरम करना है, उसमें हमने डालना है 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 कटी हुई प्याज। इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए हाई हीट पर और इसमें डाल दीजिए 4 चीरी हुई हरी मिर्चें। आप चाहें तो बारीक चॉप कर सकती हैं, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते, बार बार निकालते रहते हैं ढूंढ ढूंढ कर, इसीलिए मैंने सब इट डाल दी। ठीक है, उसके बाद थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दीजिए। कड़ी पत्ते डालकर भी फ्राई कीजिए और उसके बाद हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस मैंने डाला है। फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और थोड़ा सा पक भी गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो बॉईल किए थे नूडल्स, वो नूडल्स हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये अंडा भुर्जी ऐड कर देंगे। आपको जितनी भी डालनी है, जैसे हमने इसमें 1 कटोरी अंडा भुर्जी ऐड कर दी, तो 1 कटोरी अंडा भुर्जी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस ऐड कर दीजिए। और फिर थोड़ा सा हरा धनिया इसमें कट करके डालिए, या फिर प्याज की पत्ती या हरी प्याज या स्प्रिंग अनियन इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ये हमारे नूडल्स तैयार हो गए। अब हम और एक वेरिएशन आपको बताते हैं कि 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 2-3 हरी मिर्चें कट करके डालिए और इसे फ्राई कीजिए। लहसुन और हरी मिर्चों को फ्राई करने के बाद 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालिए। ये डार्क सोया सॉस हमने डाला है। फिर 1.5 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डालिए। ग्रीन चिली सॉस 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड किया हमने और हाई हीट पर इसे पकाइए। फिर उसके बाद इसमें पके हुए चावल डाल दीजिए। पके हुए चावल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। फिर उसमें डाल दीजिए ये प्लेन वाली अंडा भुर्जी जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। तो सबसे पहले जो हमने अंडा भुर्जी बताई थी वो हमने इसमें डाल दी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और उसके बाद उसमें डाल दीजिए ग्रीन चिली सॉस और इसे मिक्स कर लीजिए। और आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर या फिर ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद डालिए हरा धनिया या फिर आप इस पर डालिए स्प्रिंग अनियन यानी प्याज की पत्ती। तो हमारे एक फ्राइड राइस तैयार है। अब सैंडविच बनाने के लिए हमने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, उस पर हम चीज़ स्लाइस रख रहे हैं। ये थोड़ा सा चीज़ स्लाइस बड़ा है, इसीलिए मैंने इसे कट किया। कट करने के बाद मैंने इसे सेंटर में रखा। फिर उसके बाद हमने जो प्लेन वाली यानी फर्स्ट वाली जो अंडा भुर्जी बनाई थी बेसिक, वो हमने इस पर रख दी। और उसके बाद हमने इस पर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखा। उसे अच्छी तरह से प्रेस कीजिए और फिर इसे बीच में से कट कीजिए। और बीच में से कट करने के बाद आप चाहें तो इसमें कोई चटनी या सॉस वगैरह भी लगा सकते हैं। फिर उसे हम ग्रिल कर लेंगे। ठीक है, इसका हम सैंडविच बना लेते हैं। ओके, इसे बंद कीजिए, थोड़ी एक 4 से 5 मिनट के लिए ग्रिल कीजिए। ये हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ क्या क्या बनाया। एक अंडा भुर्जी बनाई, फिर एक सैंडविच बनाया सेम भुर्जी के साथ। ये देखिए ये कितना चीज़ी है और इसके अंदर है स्क्रैम्बल लेग। और उसके बाद हमने बनाया एक फ्राइड राइस और ये हमारी प्लेन वाली अंडा भुर्जी है जो हमने सबसे पहले बनाई थी। और ये सारी चीज़ें हो गई जो हमने सिर्फ एक ही अंडा भुर्जी से बनाई थी। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा इंशाल्लाह। तो आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए। और ये जो पहली वाली जो टमाटर वाली जो अंडा भुर्जी है वो बहुत ही मज़ेदार है, यकीन कीजिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हाँ, उसमें बटर का यूज़ ज़रूर कीजिए और इसे बना कर देखिए और मुझे ज़रूर बताइए अपनी राय इस रेसिपी के बारे में। ज़रूर बताइए क्या आपको ये पसंद आया मेन्यू। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।